दोस्तों नमस्कार। ओआरओपी 3 पेंशन टेबल के साथ आपके साथ जुड़ी हैं। आप सभी जानते हैं यूपीएस सरकार ने लागू की हैं और उसके बाद आपका ओआरओपी 3 रिवीजन की टेबल क्या रहेगी उसके बारे में जानेंगे। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। काफ़ी जो है टेबल्स आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगी, लेकिन आपको एग्जैक्ट और सही टेबल आज हम देंगे 100% स्टीक और सही टेबल के साथ, सभी रैंक और सभी क्वालिफाइंग यूरोप सर्विस की ओआरओपी 3 जानेंगे। एवरेज ईयर आप सभी जानते हैं 2023 है और कितनी बढ़ोतरी के साथ आपकी जो पेंशन रहेगी वो 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ कितनी रहेगी वीडियो में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सिपाही 17 साल की पेंशन होगी 20,450, सिपाही 19 साल की 2268 की बढ़ोतरी के साथ 21,075, नायक 17 साल 2068 की बढ़ोतरी के साथ 22,175, नायक 22 साल 2681 की बढ़ोतरी के साथ 23,925, हवलदार 19 साल सर्विस 1693 की बढ़ोतरी के साथ 23,475। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपकी टेबल्स जो पीसीडीए जो है रिलीज करेगा वो कभी भी एक दो दिन के अंदर रिलीज हो सकती हैं, और उससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि जो सितंबर महीने की पेंशन रहेगी वो आपकी ओआरओपी 3 के अंतर्गत आएगी और 2 मंथ्स का आपको एरियर मिलेगा। तो इस प्रकार से रहेगी सारी प्रोसीजर। हवलदार रैंक 19 साल की बात करते हैं तो 1693 की बढ़ोतरी के साथ पेंशन रहेगी 23,475, हवलदार रैंक 24 साल सर्विस 2643 की बढ़ोतरी के साथ पेंशन रहेगी 24,900 रुपये। ऑनरेरी नायब सूबेदार की बात करें 24 साल सर्विस तो 1550 की बढ़ोतरी के साथ पेंशन रहेगी 25,300। ऑनरेरी नायब सूबेदार 26 साल सर्विस 2300 की बढ़ोतरी के साथ पेंशन रहेगी 26,050। नायब सूबेदार 2800 की बढ़ोतरी के साथ पेंशन रहेगी 27,625। नायब सूबेदार 28 साल 2375 की बढ़ोतरी के साथ 28,450 इनकी पेंशन रहेगी। उसके बाद आपको बता दें सूबेदार 28 साल 2350 की बढ़ोतरी के साथ 31,100 पेंशन, सूबेदार 30 साल 32,050 पेंशन होगी 2025 की बढ़ोतरी, सूबेदार मेजर 2500 की बढ़ोतरी के साथ 32,600 पेंशन, और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट 2325 की बढ़ोतरी के साथ इनकी पेंशन होगी 43,725। तो ये रहेगी आपकी फाइनल ओआरओपी 3 टेबल। और आपको बता दें ये आपकी जो है अभी एक दो दिन के अंदर रिलीज होगी पीसीडीए के द्वारा, उसके बाद सितंबर महीने में आपको जो 1/7/2024 से जो इफ़ेक्टिव है यानी 2 महीने का आपको एरियर मिलेगा और ओआरओपी 3 बढ़ोतरी के साथ मिलेगी।